ऑपरेशन प्रहार 4 के तहत सुकमा बीजापुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में संयुक्त पुलिस ने माओवादियों की कोर एरिया में ऑपरेशन किया। सूचना मिली थी कि दक्षिण बस्तर बटालियन नंबर 1 के नक्सली वहां मौजूद है। करीब 1500 से अधिक जवानों ने जंगलों में जाकर 40 से 42 घंटे तक लगातार ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन में माओवादियों की सुरक्षा बलों से अलग अलग जगह पर मुठभेड़ होती रही। इन मुठभेड़ों में करीब 3 जवान घायल हो गए। इन घायल जवानों को एक टीम रेस्क्यू करते हुए करीब 15 किलोमीटर लेकर आगे चली। यहां पर रात को हेलीकॉप्टर के लैंडिंग कराकर घायलों को रायपुर रेफर किया गया। इस मुठभेड़ में करीब 14 से 15 माओवादियों के घायल होने की शंका बताई जा रही है। सुकमा बीजापुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में पुलिस द्वारा माओवादियों की कोर एरिया में ऑपरेशन किया गया। सूचना मिली थी कि बस्तर बटालियन नंबर 1 के नक्सली वहां मौजूद हैं। 40 से 42 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में माओवादियों की सुरक्षा कर्मियों से अलग अलग जगह पर मुठभेड़ हुई। इन मुठभेड़ों में करीब 3 जवान घायल हुए। इन घायल जवानों को रेस्क्यू करते हुए जवानों की टीम 15 किलोमीटर लेकर आगे चली। यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर की नाइट लैंडिंग कराई गई। इसके बाद घायल जवानों को रायपुर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि घायल जवान अभी खतरे से बाहर है। इस मुठभेड़ में करीब 14 से 15 माओवादियों के घायल या मारे जाने की संभावना बताई जा रही है। इन इलाकों में पहली बार DRG के जवान पहुंचे थे। उन्होंने कहा, इलाके में माओवादियों का कोर एरिया है, आगे भी ऐसे ऑपरेशन कर माओवादियों को खत्म करने की कोशिश करेंगे। अभी और हमारे लोकल इंट पे जो सूचना मिली थी कि छत्तीसगढ़ में सुकमा बीजापुर और तेलंगाना का जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पे बटालियन नंबर 1 के काफी दिन से कैंप किए हुए थे, तो उसको देखते हुए हमने कोबरा और STF DRG का एक ज्वाइंट ऑप्स लॉन्च किया था प्रहार 4 के नाम से, जो पिछले 42-43 घंटे से चल रहा था। आज सुबह जाके वो ख़त्म हुआ है। उस ऑप्स में कल दिन भर पूरे दिन भर करीब 4 बार फायरिंग हुई है और काफ़ी हैवी फायरिंग हुई और पूरे दिन तक लड़ाई चलती रही अलग अलग टीमों के साथ अलग अलग लोकेशन पे, और फाइनली आज सुबह जाके वो ख़त्म हुआ है। पूरे ऑपरेशन के दौरान हमारे 3 लड़कों को जरूर बुलेट इंजरी आई है और वो घायल हुए हैं। इसमें से एक कोबरा का जवान था जो सुबह की फायरिंग में घायल हुआ और बाद में शाम की फायरिंग में 2 हमारे और लड़कों को गोली लगी है। परंतु पूरा का पूरा ऑपरेशन जिस एरिया को टारगेट करके किया गया था वो बहुत ही दुर्गम और रूर एरिया था और बहुत दूर था हमारे यहाँ से, फिर भी हमारे लड़कों ने बहुत बहादुरी से उस पूरे एरिया को ना सिर्फ कवर किया, उसको पूरे प्रभावी ढंग से उस पर सर्च ऑपरेशन चलाया और पूरे दिन लड़ते हुए उन्होंने बटालियन को कड़ी टक्कर दी। और तीनों चारों फायरिंग में अगर जो घटना स्थल पे मार्क्स मिले हैं उसको देखें तो हम 14 से 15 नक्सलियों को घायल होने के भी चांसेस हैं। तो हमारे लड़कों ने पूरे बहादुरी से पूरे दिन लड़ाई की और जो ऑपरेशनल टारगेट था उसको पूरी तरीके से अचीव किया है, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम बटालियन को इसी तरीके से और लगातार टारगेट करते रहेंगे। और बटालियन नंबर 1 जो PLGA की है, जो नक्सलियों का सबसे बेस माना जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है, उसको हम यहां से ख़त्म कर पाएँ और उसको यहां से हटा पाएँ, उसी को टारगेट करते रहेंगे।